फैक्ट नंबर ए। दिवाली साल भर में आने वाला हम सब का एक खूबसूरत सा फेस्टिवल है। भगवान श्री राम जब 14 साल वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस आए थे तो सबने सेलिब्रेट किया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन ऑन क्रैकर्स, पॉल्यूशन की वजह से अभियान चलाया जा रहा है, दिए जलाओ पटाखे नहीं। कनॉट प्लेस में 51,000 दिए जलाए जाएंगे। अगर इस चीज़ के खिलाफ कोई जाता है, कोई पटाखे जलाता है, तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि ये जो बैन लगा है पटाखों पर, ये संस्कृति के खिलाफ है। पर कोर्ट ने कहा हमारा डिसीजन ये क्लियर है। आप सब क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या ये सही है या नहीं? नंबर दो, टॉप 5 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव करनी है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? फर्स्ट पे इंग्लिश है, पर कुछ दिन पहले मैंडेरिन चाइनीज लैंग्वेज थी। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसमें दिन के अंदर बहुत ज्यादा घंटे होते हैं? वीनस, 5,832 आवर होते हैं एक दिन के अंदर। उस ब्लड ग्रुप किसने इन्वेंट किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर। डॉक्टर्स ग्रीन कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं ऑपरेशन करते टाइम? जो डॉक्टर का विजन है वो रेड चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाएगा अच्छे से, जैसे ब्लड। मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया था? मार्टिन गुप्ता।